बीजेपी से चुनाव लड़ी थी मालवीय नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वो मिलती है मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स किशन रेड्डी जी से और एक सो कॉल्ड रिपोर्ट उनको पेश करती है जिसमें आईसा, पिंजरा तोड़, पीएफआई, जामिया स्टूडेंट्स, जेएनयू स्टूडेंट्स, एकेडमिशियंस, तमाम लोगों के बारे में बोला जाता है ये सारे लोग मिलके सीए के खिलाफ विरोध कर रहे थे, इन्होंने उकसाया, पता फलाना ढिमकाना, बहुत सारा चीज बोला। अचानक 25 अप्रैल को दिल्ली पुलिस एक इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में कहता है पेनस्टेकिंगली कि हम लोगों ने कुछ इन्वेस्टिगेशन किया, हमारे पास कुछ एविडेंस है, और ये कहता है कि जामिया के स्टूडेंट्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, जेएनयू के स्टूडेंट्स, आईसा आईसा पिंजरातोर और बाकी संगठनों के स्टूडेंट्स ने मिलकर दंगा का रचना किया है। ये मजेदार है, इस स्क्रिप्ट को नोबेल प्राइज दिया जाए या ऑस्कर दिया जाए मुझे तो समझ में नहीं आता है। ये तो वो खुद तय करे ऑस्कर अवार्ड के लिए कोशिश कर रहे या नहीं। और इसके बाद देखिए, जैसे कल जब देवांगना और पिंजरा तोड़ के दूसरे साथी को जब गिरफ्तार किया, जब उनकी बेल मिली थी, पुलिस के पास क्या करना है कुछ मतलब नहीं था। दोबारा क्राइम क्राइम ब्रांच वहां पे आता है, बोलता है कि नहीं, हम उनको दूसरे एफआईआर में गिरफ्तार करेंगे। और जब जज ने बोला कि जब पहले एफआईआर में जब आपने गिरफ्तार किया, ये तो एंटी सीए प्रोटेस्टर्स है, इसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो बोलते हैं नहीं, इन्होंने हत्या किया है, इनके पास बंदूक था। भाई जिसके पास बंदूक था, मैं उनका नाम बताना चाहता हूँ, जिसके पास बंदूक था उसको आपने गिरफ्तार किया था, मैं नाम बोल रहा हूँ, मनीष सरोरा, सॉरी मनीष सरोरा, उसको आर्म्स एक्ट में और यूएपीए में आपने गिरफ्तार किया था, बट उसको तो बेल मिल गया है कहते हुए कि कोरोना है। बट सफूरा को जो प्रेग्नेंट है, ह्यूमैनिटेरियन लॉ दुनिया भर का कहता है जो प्रेग्नेंट वुमेन को आपको जेल से छोड़ना चाहिए, कुछ सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन, उसको आपने दरकिनारे किया है। दरअसल मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ जिसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगा क्योंकि बहुत सारे स्पीकर है, फिर हम लोग इस बात पे आएंगे। ये भीमा कोरेगांव का मॉडल है, जैसे दलितों पे जिन पे पहले हमने हमला करवाया संभाजी भिंडे से, तो उन विक्टिम्स को आपने फिर कल्प्रिट बनाया। ये जेएनयू मॉडल है, कोमल शर्मा को जैसे लोगों को आपने भिजवाया, हमला करवाया, फिर आईशी घोष और तमाम लोगों को आपने कल्प्रिट बना दिया। अब दिल्ली दिल्ली दिल, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में भी कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा, इन लोगों ने तमाम जो झूठ फैलाया और आपकी नरेटिव चली नहीं, तो आपने सोचा कि चलो लॉकडाउन आ गया, हम लोग अपने नरेटिव को स्थापित साबित करने के लिए जो लोग संविधान के पक्ष में लड़ रहे थे उन लोगों को गुनहगार बता देंगे और उनको जेल में डाल देंगे, और फिर अपना हमारे गोदी मीडिया से हम लोग चलवा देंगे कि ये लोग गुनहगार है, ये लोग गुनहगार है, ये लोग गुनहगार है, और लोग मान जाएंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो सरकार रेलगाड़ियों को ढंग से पटरियों पे नहीं चला पा रही है, गलत डेस्टिनेशन पे ले जा रही है मजदूरों को जब इतनी ट्रैफिक नहीं है, जो डॉक्टर्स को पीपीई किट नहीं दे पा रही है, जो मजदूरों को अपने जेब पे पैसा नहीं भिजवा पा रही है, उनको राशन दे पा रही है, वो कह रही है कि दिल्ली पुलिस सही इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। मैं तो चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस, जो तीन सवाल हमने उनसे पेश किया है और जो हम लोगों ने टाइमलाइन दिया है, वो बताए कि ये इन्वेस्टिगेशन फ्री था, ये इन्वेस्टिगेशन फेयर था, या ये इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन था, या आरएसएस के स्क्रिप्ट के लोग के ऊपर ये लोग एक्ट कर रहे थे। थैंक यू।